हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डीजीपी ने जोधपुर में कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। कहा राजस्थान में पैरा मिलिट्री फोर्सेस या बीएसएफ से मदद लेने का कोई विचार नहीं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में जारी लॉकडाउन में पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपने दायित्व को निभाया है और आगे भी निभाएंगे। राजस्थान पुलिस किसी भी तरह की चुनौती से निपटने में पूर्णतः सक्षम है। फिलहाल पैरा मिलिट्री फोर्सेस या बीएसएफ से मदद लेने का कोई विचार नहीं है। ये बात उन्होंने जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कही कि वर्तमान में पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, राशन सप्लाईज का जो मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए और सामान्य तौर प्रशासन के सभी जो अंग हैं वो इस महामारी से जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनसे निपटने के लिए बेस्ट पॉसिबल एफर्ट जो सतह कर रहे हैं, सब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोई भी प्रयास पूर्णतः सफल तब तक नहीं जब तक जनता का सहयोग साथ में नहीं। बाय एंड लार्ज राजस्थान में पब्लिक ने, जनता ने अच्छा सपोर्ट किया है। कहीं कहीं कुछ मूर्ताएँ या गलतियाँ हो जाती हैं, उनको फिर हमें दंडित करना ही पड़ता है। वो अप्रिय स्थिति है, यथासंभव ना हो ऐसा इसका प्रयास करें। इससे पहले वो आज दोपहर जोधपुर पहुंचे, पुलिस कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर जोधपुर शहर में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने यहां कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाली और जोधपुर की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में इस संबंध में आदेश भी दिए गए हैं कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग की पड़ताल करके उनकी मदद की जाए। बता दें कि डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव इन दिनों कोरोना कर्म वीरों, पुलिस अधिकारियों व जवानों का हौसला व मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। साथ ही वह कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाव से रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का जायजा भी ले रहे हैं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।